हेलो चिल्ड्रन, टुडे आर वी आर टेलिंग यू रूल्स ऑफ द रोड। हम ये लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें रूल्स जो होते हैं रोड पर चलने के लिए क्या क्या होते हैं। सिटीज़ और टाउन्स में आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, जिससे इन ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा रोड पर हमें दिखाई देता है। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, यानी कि कुछ स्लो चलते हैं, कुछ फास्ट चलते हैं, ठीक है। तो फिल द रोड्स ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, तो इससे क्या हो जाता है, रोड्स को वो फिल कर देते हैं, जगह घेर लेते हैं रोड्स की। देर आर सर्टेन रूल्स ऑफ द रोड, कुछ रूल्स इस तरह के होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए रूल्स को, तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आपको मैं इस चैप्टर में बताऊंगी, इफ वी कीप इन माइंड दीज साइंस ऑन द रोड वी कैन मेक द रोड सेफ फॉर अदर्स एंड आवर सेल्फ्स, यानी कि अगर इन रूल्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपने लिए भी सेफ रहेंगे और जो और अदर्स जो हैं उनके लिए भी ये सेफ रहेंगे। पहला होता है रूल्स फॉर द पेडेस्ट्रियंस, यानी कि जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए क्या रूल्स होते हैं। दे शुड यूज द फुटपाथ एंड लीव द रोड फॉर व्हीकल्स, यानी कि वेयर देयर इज नो फुटपाथ दे मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड, यानी कि उनके लिए फुटपाथ बना होता है और व्हीकल्स वालों के लिए अलग जगह होती है, तो उसके लिए फुटपाथ पर चलना चाहिए पैदल वालों के लिए। अगर कहीं फुटपाथ नहीं है तो एज जो है रोड का जो किनारा होता है उस पर उसे चलना चाहिए। और जब रोड क्रॉस करते हैं दे शुड यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तब उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिप्स ज़ेब्रा की तरह बनी होती है, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती है। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो दे शुड वॉच द रोड फर्स्ट ऑन देयर राइट साइड, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग हर जगह नहीं होती है पहले आप राइट साइड देखें, उसके बाद लेफ्ट साइड देखें, देन अगेन राइट साइड देखें, तब रोड को क्रॉस करना चाहिए। इसके बाद आता है रूल्स फॉर व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल्स पर जाते हैं उनके लिए क्या रूल्स होते हैं। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो सारे व्हीकल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में चलने चाहिए, राइट साइड को छोड़ देना चाहिए, हाफ ऑफ द रोड, उसके हाफ रोड को फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं व्हीकल उसके लिए वो छोड़ देनी चाहिए जगह। ड्राइवर्स जो होते हैं व्हीकल्स के शुड नेवर फेल टू गिव राइट सिग्नल्स, और कभी भी उनको सिग्नल जब देने की जरूरत हो रोड पर तब हमेशा सिग्नल देना चाहिए। सिग्नल्स क्या होते हैं, फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट, फॉर स्लोइंग डाउन एंड फॉर स्टॉपिंग एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल ओवरटेक योर्स, तो इस तरह के सिग्नल्स हमें कब देने चाहिए, राइट लेफ्ट जब कर रहे हैं या धीरे स्लो कर रहे हैं अपना व्हीकल, या स्टॉप करना है या अनदर व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए करना है, तब ये सब रूल्स होते हैं उसको सिग्नल देने के लिए, ड्राइवर को तभी सिग्नल देने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर साइकिलिस्ट, अब कुछ रूल्स होते हैं साइकिलिस्ट के लिए जो साइकिल पर चलते हैं, यानी है ना, ऑफन केयरलेस होते हैं अबाउट गिविंग सिग्नल्स, जो सिग्नल देने के लिए बहुत ही केयरलेस होते हैं, थिंकिंग दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, ये सोचते हैं कि केवल जो मोटर वाले मोटर बाइक वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऑल रोड यूजर्स इंक्लूडिंग साइकिलिस्ट शुड कीप द राइट सिग्नल्स सो दैट अदर्स ऑन द रोड मे बी वॉन्ट पेडेस्ट्रियंस टू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दीज सिग्नल्स, यानी कि जो साइकिलिस्ट होते हैं उनको भी राइट सिग्नल्स देने चाहिए और पैदल चलने वाले जो होते हैं उनको मतलब इन सिग्नल्स की नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो होते हैं हमें सबको फॉलो करने चाहिए, जैसे एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड शुड ओबे द पुलिसमैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, यानी कि पब्लिक रोड जो चलने वाली पब्लिक के लिए जो रोड होती है उसको पुलिसमैन जो होती है ट्रैफिक ड्यूटी पर होता है उसको ओबे करना चाहिए जो वो कह रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर ऑफ ऑल, जस्ट इमेजिन वॉट शुड हैपन ऑन अ बिजी स्ट्रीट फिल्ड विद पेडेस्ट्रियंस एंड स्पीडिंग व्हीकल्स इफ़ देयर वॉज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, अगर सपोज कोई पुलिसमैन ड्यूटी पर नहीं है और व्हीकल्स वाली रोड है और पैदल जो चलने वाले लोग हैं उससे बिजी रोड है, तो हमें अपने जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और उनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। इसके बाद आता है सिम्बल्स ऑन रोड्स, कुछ सिम्बल्स मैं आपको दिखा रही हूँ रोड्स पर चलने के लिए, कुछ सिम्बल्स होते हैं। देखिए आर सम रोड सिम्बल्स विच वी कम अक्रॉस वाइल ड्राइविंग ऑन पब्लिक रोड्स, ये क्या हेल्प करते हैं एंड गाइडेंस करते हैं ऑफ द रोड यूजर्स, जो रोड पर चलने वाले उनके लिए ये हेल्प करते हैं। वी शुड नो व्हाट ईच ऑफ दी सिंबल्स सेज, है ना, नॉलेज ऑफ दी सिंबल्स विल मेक अवर जर्नी सेफ एंड इजी, यानी कि सिंबल्स के हमें
नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि सिंबल क्या कह रहे हैं, जिससे हमारी जर्नी जो है इजी और सेफ हो सके। जैसे आप देखिए सिंबल्स भी बनाने के लिए आ जाते हैं कई बार, आप इसमें देख सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है ना, नो पार्किंग, मैक्सिमम स्पीड लिमिट, राइट टर्न, नो ओवरटेकिंग, स्कूल अहेड, ये क्या है, मैन एट वर्क, नो एंट्री, नैरो ब्रिज, यू टर्न, पब्लिक टेलीफोन, नो लेफ्ट टर्न, ये सब जो हैं आपको सिंबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए रोड पर जो होते हैं इस तरह सिंबल। तो इस इनको अगर हम इफ वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं।